from pillar to pillar, from dawn to dusk. That is the strength of sociology of sanitation, from Kashmir to Karnataka, Shimoga. Now we have Adaniya Dr. Sanjeev Kumar Jhaji, Lalit Narayan Mithila Vishwavidyalay, Darbhanga, Bihar se aaye hain. इनके विश्वविद्यालय में हम लोग ने 3 वर्कशॉप, नेशनल सेमिनार और स्टेट लेवल का सेमिनार किया सोशियोलॉजी साइंटिशन. और प्रोफेसर विनोद चौधरी साहब जब थे, एक चेयर भी इस्टेब्लिश हुआ. और सोशियोलॉजी ऑफ साइंटिशन, इत्तेफाक की बात है कि सर ने मुझसे पूछा कि एल एन मिथिला से कोई याद है. हम कहे कि सर वहाँ जो सबसे टावरिंग पर्सनैलिटी थे वो रिटायर हो गए, और उसके बाद से जो हेड आते चले गए वो उनका कोई वैसा भूमिका दिखता नहीं है. और अभी जो हेड है वो अभी 1 महीना पहले ही आए हैं. और मैंने इनसे भी पूछा, इन्होंने भी यही कहा कि वहाँ. मगर सर से हम लोगों ने SOS किया, और सर ने कहा मैं प्रोफेसर विनोद चौधरी से बात करूँगा, वहाँ से प्रतिनिधि आएंगे. तो सर का वो इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि वहाँ मेरा कुछ नहीं चल रहा था. तो सर ने रिक्वेस्ट किया चौधरी साहब से, और आज हमारे बीच डॉक्टर संजीव कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा है. डॉक्टर संजीव झा जी, आज इस 52वें स्थापना दिवस पर सुलभ परिवार द्वारा, वैसे तो नाम कहने में बहुत हिचक होता है कि मैं बिंदेश्वर पाठक जी कहूँ, हमें तो गर्व होता है कि मैं इन्हें महामानव ही कहूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा. और स्वच्छता के तो संत ही कह सकते हम, स्वच्छता के क्षेत्र में तो संत का ही दर्जा इनको दिया जा सकता है. इनके प्रयास से ही समाजशास्त्र के जितने भी शिक्षक हैं वो आज गर्व से कह रहे हैं कि मैं सोशियोलॉजी का टीचर हूँ. ये एक दर्पण की तरह सोशियोलॉजी के लिए है. उषा चौमर जी, पूजा चांगड़ा जी, नीलमणि रतन सर एवं इस सभागार में उपस्थित सभी समाजशास्त्र के सम्मानित शिक्षक एवं सुलभ परिवार के सदस्यगण, मैं सबों का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ. मैं समाजशास्त्र के शिक्षक से एक बात जरूर अनुरोध करूँ कि पाठक सर के लिए कम से एक बार खड़ा होकर उनके सम्मान के लिए आप लोग ताली दें कि समाजशास्त्र का पताका लहरा रहा है अगर इंडिया में, तो वो हमारे एक गुरु है बिंदेश्वर पाठक सर. मैं इनके प्रति वो शब्द नहीं है जो सम्मान कर सकता हूँ. इन्होंने जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में काम किया है वो अतुलनीय है. मेरे यूनिवर्सिटी में, अब आप लोग बैठ जाइए, मेरे विश्वविद्यालय में विगत 10 वर्षों में इधर जो PhD किए हैं छात्र, उसमें लगभग अभी तक 7 छात्र ऐसे हैं शोधार्थी जो सर पे ही किए हैं रिसर्च, बिंदेश्वर पाठक जी पे ही रिसर्च किए हैं. और 8 छात्र जो किए हैं सोशल सैनिटेशन पर, स्वच्छता के समाजशास्त्र पर किए हैं. और हमारे यहाँ एक कामेश्वर चेयर का भी स्थापना हुआ जिसमें सर का काफ़ी योगदान है, वो भूला नहीं हम लोग सकते हैं. दो दो चेयर की, एक कामेश्वर चेयर और एक वो भामती मंडन में, 2 चेयर का स्थापना हुआ मेरे यहाँ. सर का मैं किन शब्दों में करूँ वो मेरे पास नहीं है. और सबसे बड़ी बात है कि आज सर हम बता रहे हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय में तो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में तो आपका चल रहा है, और हमारे दरभंगा में एक यूनिवर्सिटी है कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, वो पूरे बिहार में एकमात्र है पूरे संस्कृत की. और संस्कृत में भी मैं सर अभी सीनेट का मेंबर बना हूँ. 27 को बैठक था, हमने पहला प्रपोजल ही डलवा दिया है कि सर यहाँ भी सोशल सैनिटेशन, स्वच्छता का समाजशास्त्र की पढ़ाई हो. इस बार तो नहीं सर, अगले सेशन में जरूर होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर, मैं अपने तरफ से. और एक चीज़ सर किए और काम किए हम आपके मार्गदर्शन में, सोशियोलॉजी से ज़्यादा जो आपको हम देखें तो हम भी उसी तरह ढल गए सर. हमारे यहाँ स्वच्छता के लिए गांव में एक समूह का गठन होता था, तो लड़का बहुत हमको बुलाया कि सर हम लोग इस स्वच्छता के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं. तो हमने कहा कि आप लोग उसका संगठन का नाम दीजिए सुलभ सेना, और उसमें 10 लड़का पहले सुलभ सेना के रूप में उसमें आया सर.
आज लगभग 137 लड़का सुलभ सेना के रूप में विभिन्न गांव में काम करता है। खास करके मेरा जो क्षेत्र है सर, वो आपदा बाढ़ का क्षेत्र है, नेपाल से सटा हुआ बिहार का मधुबनी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है सर। और वहाँ जो है उस बाढ़ के समय में वो सुलभ सेना का जो लड़का काम करता है वो आपका सर अनुकरण करता है, वहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज जाता है सर। समाज शास्त्र के क्षेत्र में तो सर आपने बहुत काम किया, आज हर विश्वविद्यालय में अगर शिक्षक सोशियोलॉजी के सम्मानित महसूस करते हैं तो एक बार जरूर याद करते हैं कि वो एक ही हमारे हैं महामानव बिंदेश्वर पाठक सर। और खास करके जितने भी समाजशास्त्री हैं, कम से कम अपने विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट हो या जहां हो, हम तो अपने यहां सर का लगाए हुए एक बड़ा फोटो सर का ही लगाए हुए, तो हमको प्रिंसिपल पूछा ये फोटो क्यों लगाए आप, तो हमने कहा सर समाजशास्त्र के अभी के जन्मदाता शोषण यही है सर, और इनको हम मानते हैं सर, इसलिए हम टांगे हैं। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा हमको सपोर्ट किया, इसलिए सब अपने अपने डिपार्टमेंट में जरूर एक फोटो सर का लगाया जाए, मेरा यह आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।